हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस कोर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग किसी डेटा टाइप्स को, या तो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, उस टाइप के वेरिएबल्स को हम लोग रीड किए एंड देन उसको राइट किए। आपको एक टास्क भी दिया गया था कि दो इंटीजर नंबर आपको रीड करने हैं एंड उसका सम और एड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, डिविजन ऑफ टू नंबर्स को डिस्प्ले करना था। होप यू हैव कंप्लीटेड दैट प्रोग्राम। चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को यहाँ पे करते हैं। सो आवर टास्क इज टू रीड टू इंटीजर नंबर। सो वेरी फर्स्ट लाइन वी हैव टू इंक्लूड सम हेडर फाइल stdio.h। अब क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन लेना है। सो यू नो दैट कि मेन फंक्शन का कुछ रिटर्न हो सकता है और नहीं भी है। हमें रिटर्न नहीं करना है, देन वी विल यूज void। वी हैव टू रीड टू नंबर। सो वो नंबर कैसा है, इंटीजर टाइप है। सो ए कॉमा बी, हमने दो पॉजिटिव इंटीजर और दो इंटीजर को हमने डिक्लेयर किया। सो ए एंड बी क्या है, इंटीजर टाइप नंबर है। अब हमें करना क्या है, इसका वैल्यू हमें इंटर करने है। देन सो जस्ट राइट प्रिंट। सो हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट एक लिखा है जिसमें बोला आपको एक डिस्प्ले होगा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो यू हैव टू रीड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो परसेंटेज डी क्योंकि दोनों इंटीजर टाइप है। सो एम परसेंट बी। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, हमने ए एंड बी को मेमोरी में लोकेशन दिया। नाउ आवर टास्क इज टू एड दिस टू नंबर। सो वी हैव टू डिफाइन अनदर वेरिएबल, सपोज दैट वेरिएबल इज सम। तो सम में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, ए प्लस बी स्टोर करेंगे। यदि हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो एक और वेरिएबल लेंगे, जस्ट टेक मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल। अब हमें क्या करना होगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। उसी तरह से मल्टीप्लाई यदि करना है देन व्हाट यू विल डू, ए स्टार बी। यदि सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको एक और वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे एंड उसको सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। यदि डिवाइड करना है देन यू हैव टू यूज डिविजन ऑपरेटर। फाइनली यू विल, यहाँ पे क्या हुआ, ए एंड बी का वैल्यू आपने लिया, सपोज दैट ए इज इक्वल टू आपने 5 लिया, बी इज इक्वल टू 10 लिया। सो सम में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी दोनों का सम आएगा एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। अब आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। सो हाउ यू विल डिस्प्ले, जस्ट यूज प्रिंटर फंक्शन द वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू। तो सम में हमें क्या लाना है, इंटीजर वेरिएबल कुछ आएगा, सो परसेंटेज डी एंड मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू परसेंटेज डी, डबल कोट हम लोग बंद करेंगे, फॉलोड बाय कॉमा एंड देन सम इज इक्वल टू परसेंटेज। तो परसेंटेज डी हमारा कहां पे स्टोर होगा, कौन सा वैल्यू हमें यहां पे आएगा, ए प्लस बी कहां स्टोर होगा, सम में। सो सम कॉमा मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी की जगह पे क्या आएगा, मल इज अनदर वेरिएबल। तो यहां पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, यहां पे आप तो कुछ भी लिख सकते थे, एडिशन लिख सकते थे, यहां पे आप मल्टीप्लीकेशन लिख सकते थे। सो डोंट कंफ्यूज विथ दिस इज सिंपल स्टेटमेंट, सो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो डिफाइन किया है, जो डिक्लेयर किया है वेरिएबल को, उस वेरिएबल को आपको यहां पे लेना है। जैसा कि हमने सम में क्या किया, ए प्लस बी का वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो सम क्या रिफ्लेक्ट करेगा, जो फर्स्ट परसेंटेज डी है, फर्स्ट परसेंटेज डी में सम की वैल्यू आएगी एंड सेकेंड परसेंटेज डी में मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आएगी। एंड फाइनली वी हैव टू रिटर्न, बट रिटर्न यहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है, नल। सो जस्ट क्लोज्ड दिस मेन फंक्शन। सो दिस इज द वे टू राइट प्रोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ टू इंटीजर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर। होप यू अंडरस्टैंड एंड आप ऐसे ही प्रोग्राम को किए भी होंगे। अब जाते जाते हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे एंड इनिशियली यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। सो योर टास्क इज, ए में कुछ वैल्यू दिया हुआ है, बी में वैल्यू कुछ दिया हुआ है, सपोज दैट द वैल्यू ऑफ ए इज 15 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 100। सो आपको करना क्या है कि ए एंड बी का वैल्यू को स्वैप करना है, मतलब
सो स्वैप ए एंड बी, सो आउटपुट क्या आना चाहिए, दिस इज योर इनपुट, सो आउटपुट क्या होगा स्वैप करने के बाद, ए में बी का वैल्यू आएगा एंड बी में ए का वैल्यू आएगा. सो ट्राई योर सेल्फ, दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, सो आप इस पे टाइम दें एंड होप यू विल कंप्लीट दिस प्रोग्राम ऑल्सो. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका सोल्यूशन को देखेंगे, हाउ टू स्वैप टू पॉजिटिव इंटीजर और टू नंबर्स, चाहे वो कैरेक्टर टाइप हो, इंटीजर टाइप हो और फ्लोट टाइप हो.